और बात चुनाव की तो आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार बंद हो जाएगा। 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, छत्तीसगढ़ की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। और टीवी 9 के ओपिनियन पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। सर्वे में एनडीए को 362 और इंडिया गठबंधन को 149 सीट मिलने का अनुमान जताया गया। चुनाव से पहले आपका अपना चैनल टीवी 9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल में सर्वे के लिए रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई और लोकसभा की सभी 543 सीटों को शामिल किया गया। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 362 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। इसमें बीजेपी की 319 सीटें हो सकती हैं, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सर्वे में विपक्षी गठबंधन इंडिया 149 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जिसमें कांग्रेस के खाते में करीब 49 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा 32 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और आज दो राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम। पीएम की आज असम और त्रिपुरा में रैलियां हैं। असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी की जनसभा होनी है, अगरतला में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी आज असम और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के मुताबिक असम के बरपेटा संसदीय क्षेत्र से एजेपी उम्मीदवार फणी भूषण चौधरी के लिए पीएम नलबाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम त्रिपुरा के अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में उनकी चुनावी रैली करेंगे, जिसके जरिए वो त्रिपुरा के लोगों को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा के पूर्व सीएम और त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विप्लव कुमार देव ने कहा है कि पीएम की चुनावी रैली ऐतिहासिक होगी। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान शाह ने छिंदवाड़ा के लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में रोड शो किया। शाह ने करीब 700 मीटर की दूरी तय की। अमित शाह ने रास्ते भर उन्होंने जनता का अभिवादन किया। पूरे रास्ते में उनके साथ एक हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल नजर आया। रोड शो में जुटे लोगों ने शाह पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता भी शामिल हुए। शाह ने छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू के पक्ष में ये रोड शो किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को घेरा। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर खड़गे ने बयान दिया था, जिसके जवाब में अमित शाह ने बताया कि आखिर एनडीए को क्यों 400 सीटें चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी। और गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक मंच पर नजर आएंगे। दोनों नेता एक साथ कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे। कौशाम्बी इलाके में दोनों नेता आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद दोनों नेता गाजियाबाद में मंच से चुनावी प्रचार करेंगे। अखिलेश और राहुल गाजियाबाद लोकसभा सीट पर गठबंधन उम्मीदवार डॉली शर्मा के लिए प्रचार करेंगे। 2019 में गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वीके सिंह ने कांग्रेस की डॉली शर्मा को 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। और राहुल गांधी गाजियाबाद के बाद आज कर्नाटक के मांड्या और कोलार में जनसभाएं करेंगे। दोनों जगहों पर कांग्रेस का मुकाबला जेडीएस से।
यूपी के गाजियाबाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज मांड्या और कोलार में जनसभाएं करेंगे। दोनों सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला जेडीएस से है। मांड्या में पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस के वेंकट रमणे गौड़ा और कोलार में कांग्रेस के केवी गौतम और जेडीएस के एम मलेश बाबू के बीच है। कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव कर्नाटक में 28 में से सिर्फ एक सीट जीती थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी।